नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल कुलकर्णी और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 2 सालों से मैं सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में कैंसर विशेषज्ञ मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम देख रहा हूँ। तो दोस्तों, जब हम लोग कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तब हम बहुत बार ये देखते हैं कि पेशेंट्स को एक तो कैंसर क्या है इसके बारे में पता नहीं होता, और उसके ऊपर भी जाके कीमोथेरेपी क्या है ये भी पता नहीं होता। और इसके बावजूद मतलब कीमोथेरेपी क्या है ये पता ना होने के बावजूद भी कीमोथेरेपी के बारे में एक बहुत ज़्यादा डर पेशेंट के मन में रहता है। तो यही डर दूर करने के लिए आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैंसर की कीमोथेरेपी एग्जैक्टली होती क्या है। तो कीमोथेरेपी क्या है जानने के लिए सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि कैंसर क्या होता है। तो अपने शरीर में जो भी नॉर्मली पेशियाँ रहती है, अगर कोई पेशी का अनियंत्रित रूप से अगर विभाजन या डिवीजन चालू हो जाता है और वो बहुत ज़ोर से अगर डिवाइड होने लगती है तो उससे जो बनने वाली गांठ होती है उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। अगर ये कैंसर की पेशियाँ दूसरे अवयवों में भी जाके फैल गई तो उसको हम लोग स्टेज 4 का कैंसर भी बोलते हैं। अभी ये कैंसर को मारने के लिए अपने को ये जो ज़ोर से बढ़ने वाली पेशियाँ है उनको मारना पड़ता है, और वो मारने के लिए जो दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो कीमोथेरेपी कोई बहुत भयंकर दवाई नहीं है, वो रूटीनली हम लोग जो बाकी की दवाई यूज़ करते हैं उसके जैसा ही एक इंजेक्शन है और उसके जैसे ही एक दवाइयाँ है जो हम लोग सलाइन द्वारा या गोलियों के रूप में पेशेंट्स को देते हैं। और जब ये दवाइयाँ शरीर के अंदर जाके फैलती है तब वो शरीर में जहाँ जहाँ भी ये कैंसर की पेशियाँ ज़ोर से अगर विभाजन हो रही है उनको जाके वो मारती है, और इस तरीके से हम लोग कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या समूल रूप से नष्ट कर सकते हैं। अभी जब हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं तो वो कैंसर की पेशियों को मारने के साथ साथ अपने बॉडी में या अपने शरीर में कई ऐसे अनेक पेशियाँ हैं कि वो जो नॉर्मल रूप में भी थोड़ी ज़ोर से बढ़ती है, जैसे अपने बाल है, जैसे अपने खून की पेशियाँ है, अपने नाखून है, तो ऐसी पेशियों पे भी कीमोथेरेपी कुछ हद तक आपका अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। इसलिए जो सब लोगों को पता होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट जो है, जैसे बाल झड़ना या खून की पेशियाँ कम होना या नाखून काले होना, ये जो भी साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के हैं वो इस कारण है कि कैंसर की पेशियों के साथ साथ कीमोथेरेपी का इन पेशियों के ऊपर मतलब नॉर्मल पेशियों के ऊपर भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इफ़ेक्ट्स है या ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है नॉर्मल पेशियों के ऊपर वो सब टेम्पररी है। इसके अलावा जो कैंसर की पेशियाँ हम लोग मारते हैं कीमोथेरेपी के वजह से वो बहुत ज़्यादा हद तक मार दी जाती है, और उसका इफ़ेक्ट वो जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इसलिए कीमोथेरेपी को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग कीमोथेरेपी आज बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सेफ तरीके से हम लोग पेशेंट्स को देते हैं। आज बहुत नए आधुनिक तरीके के कीमोथेरेपी की दवाइयाँ अपने पास अवेलेबल है, जिसका हम लोगों ने अगर योग्य तरीके से इस्तेमाल किया तो हम लोग आज बहुत हद तक साइड इफ़ेक्ट्स अवॉइड कर सकते हैं, पेशेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं कीमोथेरेपी की वजह से, और पेशेंट्स का लाइफ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। इसलिए कोई भी अगर आपके मन में गलतफहमियां है कीमोथेरेपी के बारे में तो वो दूर कर दीजिए। ये जान लीजिए कि कीमोथेरेपी अगर हमने ठीक तरीके से ली, अगर ठीक तरीके की दवाइयों का चयन किया गया, अगर ठीक गाइडेंस के अंडर मतलब एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंडर अगर आपने कीमोथेरेपी ली तो आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा, आपको साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस कम रहेंगे, अगर और होते भी है तो भी उनको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों, कीमोथेरेपी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको या आपके मन में कोई भी शंका है या कोई भी सवाल है कीमोथेरेपी के बारे में तो आप हमें ज़रूर लिखिए, नीचे दिए गए कमेंट्स पे आप ज़रूर हमसे कमेंट पे बात कर सकते हैं और हम लोग आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।